और इसका जो लावेला कैपिटल है जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं उसको कहा जाता है वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हाईएस्ट मतलब एलिवेशन वाइज हाईएस्ट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ये है बहुत ही ब्यूटीफुल, इसकी जैसे हम लोग उतरे गाड़ी से वाइब जो है यहाँ की बहुत खूबसूरत वाइब्स है। माउंटेन्स तो है यहीं, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने बेगम के साथ आ रहे हैं तो और शॉपिंग का उनका मूड कोई बन जाता है तो भाई आपकी जो है ना जेब हल्की हो जाएगी। बेस्ट है। और हमारे होटल में जो बार्सिलोना में 150 चार्ज कर रहे थे बॉटल, इतनी सी छोटी सी बॉटल का, और ये देखें 0.73 यूरो की अंडोरा में ये वाटर बॉटल मिल रही है आपको। और ये देखें एंडलुसिया ऑरेंजेस लिखा हुआ है, भाई ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंडलुसिया लिखा हुआ है यहाँ पे। पाकिस्तान के रुपीस भाई, पाकिस्तान के पैसे लगे हुए हैं एंडोरा में, ज़बरदस्त फायदा। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रॉम पोर्टो एयरपोर्ट। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, एक्चुअली में थोड़ा सा गला ख़राब है हो गया, आई डोंट नो सर से वो ठंडी पीने पीने से की वजह से, लेकिन एक अभी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं जो कि हमारी फ़्लाइट है रायनेर की जो कि जा रही है पोर्टो से बार्सिलोना की। प्लान तो ये है बेसिकली बार्सिलोना जाके फिर आगे का प्लान आपको वहीं पर चल के बताएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि आपको सनसेट दिखाता हूँ। बिल्कुल अभी अभी सनसेट जो है ना वो सामने दिया, ब्यूटीफुल पोर्चुगल को खड़ी वो देख सकते हैं खूबसूरत माशाल्लाह। ब्यूटीफुल सनसेट है। बस अभी फ्लाइट का टाइम बताया नहीं है, हमें राइनर की है जनरली चेक करना पड़ता है आपको स्क्रीन्स पे, तो वो स्क्रीन पर भाई ये है रायनेर की फ़्लाइट, थोड़ी सी डिले थी आज और पोर्टो एयरपोर्ट से ले रहे हैं पोर्टो टू बार्सिलोना इंशाल्लाह। और में ये सीन होता है भाई, आप जो है ना आपका वो टनल वो जो होते हैं आगे ब्रिज वो नहीं लगते, आपको खुद जनरली वॉक करना होता है। हमारी पीछे हमें मिली है आज भी 23, तो ये जो है वो जा रही है बार्सिलोना। भाई तो वेलकम टू बार्सिलोना एयरपोर्ट इन स्पेन, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, रात के 12 बजने वाले हैं और एयरपोर्ट काफ़ी डिजर्टेड लग रहा है, कुछ ही शॉप्स इतने लोग नज़र नहीं आ रहे, ऑफ कोर्स रात का टाइम है ये हमारे लैंडिंग और एक दो, तो ये आगे चलते हैं कस्टम क्लियर करते हैं अपना बैग पकड़ते हैं और होटल जो है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम बार्सिलोना। अभी मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे अपनी कार को पिक करने, रिकॉर्ड रेंट अ कार, मैं यह है रिकॉर्ड रेंट अ कार और ये इनका ये है, तो प्लान इंशाल्लाह ये है कि एंडोरा की तरफ जाने का, एक और कंट्री उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, यहाँ से ज़्यादा 3 घंटे की ड्राइव पर है तो देखते हैं रैन पहले रेंट का देख लेते हैं। ये जो है मैंने बुक करी भी थी, पहले से बुक करी हुई और उसमें बस कवरेज में हल से ऐड करानी है। भाई गाड़ी मैंने पिक कर ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसकी फुल इंश्योरेंस ली है। भाई आप फॉरेन कंट्री में आ रहे हैं बेटर है, ऑल दो आपके क्रेडिट कार्ड पर होती है, मेरे क्रेडिट कार्ड पर भी है, लेकिन बेटर है कि आप उनकी इंश्योरेंस लें तो कोई पंगे में पड़ना नहीं पड़ता। मैं अभी वीडियो बनाऊँगा, ये गाड़ी है बस चलते हैं घर से होटल से पिक करते हैं फैमिली को और फिर निकलते हैं। बैठ गए हैं और फैमिली को पिक कर लिया, यहाँ से होटल से निकल रहे हैं अंडोरा की तरफ, 3 आवर्स की ऑलमोस्ट ड्राइव है, इंशाल्लाह बस बिस्मिल्लाह करते हैं चलते हैं एक अंडोरा। फिर हम लोग आ गए हैं 3 आवर्स और मोर देन 3 आवर्स आप कह लें ड्राइव करने के बाद यहाँ पे अंडोरा। अंडोरा एक ऐसी कंट्री है जो कि सैंडविच है बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। अच्छा इसके बारे में ये किस वजह से मशहूर है कि यहाँ पे स्की रिजॉर्ट और टैक्स हेवन के लिए, मतलब कहते हैं कि यहाँ पे टैक्स नहीं होता और यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉपिंग वगैरह के लिए ये फेमस है। अच्छा इसको कंट्रोल जो करता है वो है बिशप ऑफ कैटलोनिया ऑफ उर्गिल कैटलोनिया और प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और इसका जो लावेला कैपिटल है जहाँ पे अभी हम लोग मौजूद हैं उसको कहा जाता है वन ऑफ द हाईएस्ट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हाईएस्ट मतलब एलिवेशन वाइज हाईएस्ट कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई ये है बहुत ही ब्यूटीफुल, इसकी जैसे हम लोग उतरे गाड़ी से वाइब जो है यहाँ की बहुत खूबसूरत वाइब्स है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रिवर जा रहा है और सामने एंडोरा लावेला जिसका नाम लिखा है वहाँ पे चलते हैं, फिर पिक्चर्स भी ले लें। तो मैं आपको
दिखाता हूँ एंडोरा ला वेला जिनकी कैपिटल सिटी है उसका सिटी सेंटर। हम वॉक कर रहे हैं एंडोरा के सिटी सेंटर में, आपको दिखाता हूँ यहाँ की चक्कर। वहाँ से हम लोग आए, दोनों तरफ जो है डिफरेंट शॉप्स बनी हुई हैं और देखिए एम्बेसी बाय सूजा कोई ब्रांड लग रहा है, ज्वेलर्स ब्रांड। यहाँ पे शॉपिंग की वजह से कंट्री बड़ी फेमस है, तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ जो है देखें डिफरेंट शॉप्स आ रही हैं। अच्छा अभी हमारी एक पिक्चर ली थी एक यहाँ के एंडोरा की लोकल ने, तो उससे मैंने पूछा है ये लैंग्वेज के बारे में, तो मुझे बताया कि ये लोग कैटलन बोलते हैं। कैटलन जो कैटेलेनिया का सॉरी स्पेन का जो पार्ट है, सिमिलर टू स्पेनिश आप कह लैंग्वेज। अगर आप लोग एंडोरा आ रहे हैं और जो कि बार्सिलोना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं, और अगर आप लोगों को देसी खाने का दिल चाह रहा है पाकिस्तानी फ्लेवर्स, तो आप यहाँ पे एंडोरा के सिटी सेंटर में ही है एंडोरा डोनर कबाब के नाम से, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और इनके मेन्यू में जो है मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ये देखें ये जो है इनका मेन्यू, इसमें जो है डिफरेंट बिरयानी, ये देखें बिरयानी मिल जाएगी आपको, यू नो टिपिकल पाकिस्तानी डिशेस, प्रॉन डिशेस, वेजिटेबल डिशेस, वेजिटेबल खाना चाह रहे हैं, चिकन कढ़ाई टाइप की आपका जो है क्रेविंग हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट में मिल जाएंगी। तो और ये है, ये इनके पास सेटिंग काफ़ी है यहाँ पे सेटिंग भी है। और अभी रिमाइंड यू हम लोग वीक डे पे आए, मे बी कलश ये है चिकन बिरयानी, थोड़े से वाइट राइस, और मैं आपको ये चेक कराता हूँ। ये देखें इस टेबल में ये चीज़ मैंने जो है इस अच्छा इस टेबल में तो डिफरेंट उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ के लगाए हैं, लेकिन इस हमारी वाली टेबल पे इन्होंने देखे पाकिस्तान के रुपीस भाई, पाकिस्तान के पैसे लगे हुए हैं इंडोरा में, ज़बरदस्त फायदा आजम की टोपी के साथ ज़बरदस्त। वही बिरयानी मुझे खाना स्टार्ट किया थोड़ी सी, ऑफ कोर्स ये गुजरात से जो भाई हैं उसे डिफरेंट बट इट्स फ्लेवरफुल। तो मैं ज़रा आपको बिरयानी की देखें बिरयानी की बाइट, फ्लेवरफुल है। आप अगर आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं देसी खानों की क्रेविंग हो रही है, डेफिनेटली यहाँ पे आ जाए, खाना ख़त्म करते हैं हम लोग निकलते हैं सिटी साइड। देखिए भाई ये है एंडोरा का सिटी सेंटर, वो देखें वो लिखा हुआ है एंडोरा ला वेला, और नॉट ला वेला या ला ला वेला लिखा है एक्चुअली, मुझे वेला दिखा नहीं था, खूबसूरत। ओह ये देखें भाई ये पहाड़, इस टाउन ये टाउन ऑलमोस्ट या प्रीटी मच 360 डिग्रीज पहाड़ों में घुमा हुआ है, पहाड़ जो कि मेरे फेवरेट है। भाई जो इम्प्रेशन है ना यहाँ पे एंडोरा के बहुत ही ज़बरदस्त वाइब्स के हैं, यहाँ पे जो माउंटेन्स तो हैं यहीं नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने बेगम के साथ आ रहे हैं तो और शॉपिंग का उनका मूड कोई बन जाता है तो भाई आपकी जो है ना जेब हल्की हो जाएगी। चेक करें ये देखें दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें, सर मैंने आपको बताया था ये एक वो है टैक्स सेवन, ये देखें ब्रांड्स टी शॉट, ये मेरे पास घड़ी है शादी पर मिली थी टी शॉट, और ये खूबसूरत है वेरी नाइस द स्मॉल टाउन। और मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आप सिर्फ ला वेला देखना चाह रहे हैं कुछ आवर्स एक दिन आपके लिए इनफ है, हाँ अनलेस अगर आप और जगहों पे जाना चाह रहे हैं और सिटीज़ तो फिर आप यहाँ पे रुक सकते हैं, अदरवाइज़ वन डे में आप इसकी वाइब ले सकते हैं। देखिए गैस के लगे हुए अंडोरा, भैया देखें ये रोलेक्स के ब्रांड्स, और
बढ़ना ही बड़े पॉइंट्स बढ़ना 1845 से। और ये भी कोई ज्वेलरी का ड्यूटी फ्री सामने लिखा हुआ है, टर्मिनल 8 ड्यूटी फ्री शॉप्स इन्होंने नाम ही रख दिया सामने। लिकर, सोवेनेर, टबाक्स, स्पेनिश सिमिलर, कैटलन, पाता नेग्रा, वोट की ये चीज़ है। मिसा को सारे जाना, ये दुकानें चली जा रही हैं, हम लोग आगे वॉक करके उस साइन पे आ गए हैं डोरा वाले। ये पार्क सेंट्रल के नाम से जगह, यहाँ पर आए और यहाँ के आप व्यू सुभान अल्लाह चेक करें। ग्रीन माउंटेन, ब्यूटीफुल। ये देखें, ये है इनका सेंटर, हिस्टोरिक खूबसूरत घर। आगे चलते हैं, बड़ी ही पीसफुल खूबसूरत वाइब्स है इस टाउन की। देखें छोटी छोटी गलियाँ यहाँ पर, ये और ये है एंडोरा पे हम, ये सिटी सेंटर में ही लावेला के वॉक जारी है, बीच में कैफेस आ रहे हैं और अभी जो है हिस्टोरिक सेंटर की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली एक टूर ग्रुप भी जा रहा है, तो वो मैंने मैप में देखा तो वो एक्चुअली सही जा रहा था, मतलब सही मतलब कि हिस्टोरिक सेंटर ही जा रहा है। ये देखेंगे रूट चेक है, और ये मुझे हलाल लग रही है, या सबोर कबाब के एरिया हलाल शॉप है। अच्छा ये देखें कबाब की ये क्या ये प्राइस लिखी है 795 के लाख मिल जाएंगे। भाई ये देखें, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ये है इनकी वन ऑफ द मेन स्क्वाड्स, मुझे नाम नहीं पता। ओके ये आप यहाँ पे आके वॉक कर सकते हैं और आपको यहाँ पे डिफरेंट शॉपिंग चीज़ें मिल जाएंगी। ज़ारा भी सामने है, डॉगी जा रहा है, चलो सही है। अच्छा अच्छा ये है इनकी वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ पे ये देखें तोरो लगा हुआ, और यहाँ पे देखते हैं ऑयस्टर बार है, ऑयस्टर के शौकीन आप लोग। ड्यूटी फ्री भाई ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये टैक्स हेवन है तो ड्यूटी फ्री। देखें यहाँ पे सॉरी, अगर आपको कहीं पे भी सुपर मार्केट मिल जाए ना तो बेस्ट है। और हमारे होटल में जो बार्सिलोना में 150 चार्ज कर रहे थे बॉटल, इतनी सी छोटी सी बॉटल का, और ये देखें 0.73 यूरो की अंडोरा में ये वाटर बॉटल मिल रही है आपको, और ये इवन ये ज़ीरो सोडा के साथ, ये सोडियो के साथ ये 0.70 सेंट्स की लगी है। उसके अलावा ये जूसेस आप ले सकते हैं, एक्चुअली जूसेस भी मैं यहाँ से ले लूँगा, बिकॉज यहाँ पे ये मार्केट में अगर आपको कुछ भी लेना हो मार्केट आपको मिल जाए तो वो बेस्ट है। आपको ये जूसेस की 249 का इतना बड़ी बॉटल लगी हुई है। सॉरी चलें उठाते हैं। अच्छा भाई ये देखें, मैं ऑरेंजेस के पास आया हूँ, यहाँ पे एंडोरा में हूँ मैं,
और ये देखें एंडलुसिया ऑरेंजेस लिखा हुआ है भाई, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंडलुसिया लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये पार्टी सारे होते हैं ये ऑरेंजेस, आई डोंट नो कैसे होंगे, मे बी शायद एक दो मैं पिक कर लूँ और ट्राई करके देखें। सर ये है एंडोरा की, एंडोरा लवेला जो कैपिटल सिटी है उसकी मेन स्ट्रीट, यहाँ पे आप सारी शॉपिंग, आपको जो चीज़ें हैं अगर आप शॉपिंग करना चाह रहे हैं ये टैक्स फ्री है, तो हमने एज सच ट्राई, हम लोगों ने ज़रूरत थी और मैंने किसी एज सच किसी शॉप पे जाके नहीं देखा कि कितना टैक्स है या नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि मोबाइल में एटलीस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम था, हमें एक वाइब लेनी थी कैसा है देखना था, तो वो कुछ आवर्स हमने स्पेंड किया यहाँ पे एंडोरा में, और वेरी नाइस प्लेस, अगर आप लोग यहाँ पे स्पेशली स्पेन में हैं बार्सिलोना में, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आएँ एंडोरा में और अपना एक दिन आप आराम से स्पेंड करके डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी नोट पे वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, वीडियो अच्छी लगी लाइक का बटन दबाना नहीं भूलेगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देगा, बिकॉज इस चैनल पर आपको ट्रैवल रिलेटेड वीडियोज़, फूड रिलेटेड और कैनाडा से के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहेंगी। अनटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़। भाई यहाँ पे जो जो कबाब रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी दिखाया मैंने आपको, उसमें खाना तो मिलता ही आपको देसी खाना, लेकिन उसके साथ अगर आपको चाय की तलब हो रही है तो मिल जाएगी। हम लोग थोड़े से गले से वो गले के लिए वो ऑफकोर्स शाम में वैसे ही तलब होती है, मैंने कॉफ़ी ऑल दो पी ली थी, यही है चाय, बस भाई चाय चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं।